पिताजी। अच्छा तो मामला ये है, देखो हम कहीं जाने के लिए तैयार हैं। जी पिताजी। हमें बहुत जरूरी काम है, और तुम्हें चाहिए क्या? बाबूजी मुझे कुछ नहीं, बस थोड़े से रुपए चाहिए। रुपए चाहिए? जी पिताजी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम जल्दी में हैं, अलमारी में रुपया रखा है, हिसाब से ले लो, जितने की भी जरूरत हो। ओके। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि तुम ठाकुर गजराज की बेटी हो, और बचपन से लेकर आज तक मैंने आँख खुलने से पहले तुम्हारे हर सपने को पूरा किया है। जी बाबूजी। तुमने अपने हाथों से इतना रुपया उड़ाया है, इतना रुपया उड़ाया है कि लोगों ने अपने पैरों से इतनी धूल नहीं उड़ाई हो। जाओ, हमें जरूरी काम है। ठीक है पिताजी। ठहरो ठहरो ठहरो, एक बात बताना भूल गया मैं। जी। देखो बेटी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे बाप की इस गांव में कितनी इज्जत है। आज ही लोग हमसे नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और अब तुम बच्ची नहीं हो, सयानी हो गई हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे सामने सर झुकाकर बात करते हैं, तुम्हारी वजह से कहीं के सामने मेरा सर ना झुक जाए। इसलिए चाहे यहां रहना चाहे कॉलेज में रहना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। पिताजी मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि जिसमें हमारे पिताजी का सर नीचा हो जाए। हम अच्छा तुमसे यही उम्मीद करते हैं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। भारत, आज तेरे खेत पर मेरा कब्जा होगा, क्योंकि आंसुओं में डूबी है मेरे गम की कहानी, बाहर से है बुढ़ापा अंदर से है जवानी। नजरें मिलाए तुमसे बतलाओ कैसे जानी, कि तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। जवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अगर हमारे सरदार की तरफ कोई भी नजर उठाएगा तो कसम उसकी जात की जलाकर राख कर देंगे। और हमारे साथियों लग जाओ लाइन में, सरदार जी को आने को वक्त हो गया है, आइए लग जाइए। जय मां भवानी। शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए, सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता, इसलिए हर वक्त हमें
होशियार रहना। डाकू बिजली, डाकू हरिया और धौलिया, बताओ सबसे पहले कि हमारे इस कबीले में हमारे किसी साथी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? सरदार जी, हमारे इस गांव में कोई साथियों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है और ना कोई दिक्कत होगा। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सेरा सेरा को मैंने सिमरिया गांव भेजा था वहां की खबर लेने के लिए, लेकिन अब तक सेरा आया नहीं, हमें उसका इंतजार करना होगा। आओ सेरा, आओ, कहो। सरदार जी की जय हो। क्या खबर लाए हो? बहुत गजब खबर लाए हैं सरदार जी। बात क्या है? बात ये है कि जो ठाकुर गजराज सिंह यहाँ का प्रधान है, आपके खेतों पे ट्रैक्टर चलवा रहा है। सरदार जी मेरी बात सुनिए, आपके खेतों पे 4 ट्रैक्टर है उसके पास, और 4 ट्रैक्टर को आपकी जागीर पे चलवा रहा है, पूरा खेत कब्जा कर ले है। ठाकुर गजराज ने मेरे खेतों पर कब्जा कर लिया। आगा है मेरे खेत वो जितवा रहा है। आगा है आपका बहुत ढूंढ है। मेरा नहीं, आप आज मैं कसम खाता हूं कि अगर उन्हीं खेतों में अगर गजराज सिंह की कबर नहीं बनवा दिया तो मेरा भी नाम डाकू लाखन सिंह। साथियों सुनो, इस वक्त हमें करना क्या है? और कब्जा कब्जा मेरे खेत पे, और कौन किया खेतों में बनवा दिया तो मेरा नाम डाकू लाखन सिंह नहीं होगा। जय साथियों, जय।
की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। डाकू को गिरफ्तार करने की। हाँ, मेरी माँ ने बताया था बेटा तुम्हारे निर्दोष पिताजी जेल में हैं। मैं पता लगाऊंगा कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं या दोषी। जी हवलदार जी, चलो चलते हैं। चले अगर आज मेरे पिताजी दोषी होंगे मेरा फर्ज बनता है, मैं उनके भी हाथ में हथकड़ी डाल दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा फर्ज है हवलदार जी। जी और हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे उस जमाने में क्या होता है और क्या नहीं। हवलदार देखिए ये क्या पक्षी बिहार है, कितना खूबसूरत। कहा सिस्टर, अगर मेरी माँ को इन गांव वालों ने धक्के मारकर यहाँ से निकाला होता तो मेरा भी बचपन इन्हीं हसीन वादियों में गुजरता। कोई बात नहीं, हम चलेंगे जो अपना काम है। मुझे अपने पिताजी के दोषी निर्दोष पर रखेंगे। ए मिस्टर, क्या देख रहे हैं आप इधर उधर? क्या देख रहे हैं आप लोग इधर उधर? आप लोग चोर तो नहीं हो?
का है तुमको, हम चोर ही लागे थे ना, हमारा पहरा और हाथ से देखो तुमको हम चोर नजर आ रहे हैं। साहब से बात करी हुआ बोलिए। जुबान में इतने सवाल, क्या मैं आपको चोर नजर आता हूँ? क्योंकि इस पश्चिम बिहार में चोर भी आते हैं, समझ गए? होता है और हो सकता है पहनकर आजकल कई लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि झूठी वर्दी होती है। मतलब क्या है? तो गलत ख्याल है आपका, से मरियम मिगराम और मैं भारत का लाल हूँ। मोहन मेरा नाम। देवी जी आप मुझे गलत मत समझिए, इसी गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहन है। मोहन, तो मेरी बात भी सुनिए आप, कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूं। अर्जुबा जुबा थाम लड़की, तू क्या कह रही है? चोर हूं नहीं, अरे कहो कौन भारती किसके बिचारी हो? देवी जी और कहां के रहने वाले हैं आप? देखिए अब छोड़िए, मेरी यह यहां नई नई पोस्टिंग हुई है, ऐसा है अब घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूं। ठहरो,
हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या जल्दबाजी है आपकी? देखो दिखाइए आपका नाम मोहन है। जो भी गलती अगर मुझसे हो गई हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनजाने में मैंने आपसे कुछ इधर उधर की बातें कह दी हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ होता है, होता है, होता है ना। लेकिन मेरा नाम राधा है और मैं ठाकुर गजराज की बेटी हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं आपसे दिल में आता कहूंगी, दिल में आता क्यों ना कहूं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर कहूं। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। आपने ये कैसे सोच लिया? हमारी और उनकी बात हो रही है। अच्छा, इनसे कहो क्या कहना है? वादा आप करिए। वादा? कैसा वादा? पहले आप अपना हाथ दीजिए। और कहो जुल्म की जंजीर में और हो बांधती हमें, जंजीर में फांस रहे हैं। कोई जिल्लत नहीं होगी। मैं जानता हूं देवी जी, अगर ऐसा हुआ सब खत्म। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा सच्ची के लिए बोलो। अगर इसी तरह आप मुस्कुराते रहोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। छोड़ी के न जा वो पिया, छोड़ी के न जा वो पिया, मैं तुझको ये दिल दे दिया, हो मैं तुझको दिया, हो
बोलिए भैया अब इस गर्मी को ठंडा करो। इससे क्यों बढ़ाती हो? नहीं हाँ बात तो सही है लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? देवी जी शिक्षा आप दे रहे हो? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा? देखिए आप जानती हैं, आप नहीं जानती, सब कुछ जानती हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। मेरी यहाँ नई नई पोस्टिंग हुई है क्योंकि मुझे अपने पिता को निर्दोष साबित करना है। हाँ मैं तुम प्यार करूंगा लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी एक साथ प्रधान का इलेक्शन लड़े हैं। उनके मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबूत तुम्हें देना होगा। देखो प्यार में कहते हैं ना, प्यार में अगर जान भी देनी पड़े तो जान भी दे दूं। सबूत क्या है? मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो मेरे पिताजी की हकीकत। मेरे पिताजी दोषी हैं या निर्दोष बोलो? आपके पिताजी एक निर्दोष है। मुझे सबूत चाहिए तुम्हारे कहने से नहीं। मैं आपको ला के दूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए, वादा है। राजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुम्हें मेरे लिए, मुझे तेरे लिए।
देखिए जाता रही हो लेकिन वादा भूलना नहीं, तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में सबूत लगा देना है राधा ए जी, कहना है और हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए फिर जमाने का क्या हो हमारा न हो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए नहीं है कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे आपके प्यार का जो मिले आसरा आपके प्यार का जो मिले आसरा फिर खुदा का हो बेसर बढ़ा दी और बिंदिया बोले क्या